हेलो, आज की जो वीडियो है उस वीडियो का जो टारगेट है, जो मैक्सवेल की इक्वेशन है इन इंटीग्रल फॉर्म, उनको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ टूल हैं उनको यूज करेंगे। टूल मैथमेटिकल टूल्स हैं एक्चुअली। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका, ये मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो टॉपिक है वो मैक्सवेल जो इक्वेशन है ये है। और मैक्सवेल की इक्वेशंस किसको बोलते हैं एक्चुअली, तो इसको अगर लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हैं ये घोसला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। और ये सेकंड लॉ आ जाएगा घोसला इन मैग्नेटिज्म, ये सेकंड लॉ हुआ। और थर्ड जो है वो फेराडे लॉ है। तो थर्ड जो लॉ आएगा आपका ये फेराडेज लॉ आएगा। तो ये थर्ड हुआ। एंड फोर्थ इज दी एम्पियर्स लॉ, ये एम्पियर्स का लॉ हुआ। तो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे सब गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे आएगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q दैट इज इनक्लोज बाय दैट गोसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो आएगा ये आएगा ओपन सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल टू 0। आप यहाँ क्लोज सरफेस भी ले सकते हैं, ओपन सरफेस भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस क्यों नहीं लेंगे, उसकी वजह अगर आप देखते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो आप किसी सॉलिड मटेरियल से देख रहे हैं कि पास हुआ है तो ओनली देन यू कैन कंसिडर दी क्लोज सरफेस। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आप प्रॉब्लम स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी कॉइल के साथ में एसोसिएट रहता है। तो यहाँ कोई अगर आप में ऐसे नॉर्थ पोल ये रहा तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड को मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। तो यहाँ ये जो कॉयल है ये ओपन सरफेस है, तो इसकी वजह से ये जनरली ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर ये ओपन सरफेस इंटीग्रल को चूज किया गया है। थर्ड वन जो है वो फेराडे लॉ है। फेराडे लॉ में आप देखते हैं एप्साइलन दैट इज ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये फाई बी क्या है एक्चुअली, ये फ्लक्स है। तो फाई बी अगर यहाँ थोड़ा सा पहले इन एडवांस डिफाइन कर दें तो फाई बी एक्चुअली जो होगा वो बी डॉट डी एस रहेगा। तो ये ओपन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस यहाँ फाई बी है, तो इसका जब वैल्यू रखेंगे, और ये एप्साइलन जो है ये ई एम एफ है, तो ई एम एफ को जो एप्साइलन को लिखते हैं तो वो लिखते हैं क्लोज पाथ इंटीग्रल ई डॉट डी एल, राइट। और ये एम्पियर्स का लॉ है, तो एम्पियर्स के लॉ को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं क्लोज पाथ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एंड दिस करंट इज इनक्लोज। सो दीज आर फोर इक्वेशंस एक्चुअली, और इन फोर इक्वेशंस को ये जो इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पर लिखी हैं इनको क्या करना है, इनको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो राइट डाउन दी मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, और तो वो ये रही। और अगर इसको बोलते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक्चुअली हम लोगों को क्या करना होगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं लाइक आपके ग्रेडियंट हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, ये कर्ल हुआ, तो फिर इन कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो अगर सपोज किया, सपोज नहीं, अभी क्या करते हैं कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ दी टू थ्योरम्स, नंबर वन इज दैट इज कॉल्ड इज गॉस GAUSS गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसका जो फार्मूला रहेगा ये एक्चुअली सरफेस इंटीग्रल जो है क्लोज सरफेस इंटीग्रल और E और या B कोई भी वेक्टर हो सकता है डॉट डी एस इज इक्वल टू, और ये होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड फंक्शन, यहाँ जो भी होगा उसका डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड
डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड सेकेंड वन इज द स्टोक्स थ्योरम. सो स्टोक्स थ्योरम जो है दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज पाथ इंटीग्रल. फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज ई वैक्टर एंड दिस इज डी एल इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा ओपन सरफेस इंटीग्रल के होगा, और यहाँ कर्ल होगा उस वेक्टर फील्ड फंक्शन का. सो डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, राइट. सो ये स्टोक्स थ्योरम हो गया. तो हमको क्या करना है एक्चुअली, ये जो टू आपके इक्वेशंस हैं या टू जो स्टेटमेंट्स हैं एक्चुअली, इन्हीं को यूज करना है, और इनको यूज करके ये थोड़ी देर के लिए मैं इसका ये रिप्लेस कर दूँ. तो यहाँ ये मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो टैब के ऊपर जो है ये पॉलीथीन अभी भी चिपका हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है. अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो ये एक्सपी पेन टेबलेट है, तो उसको यूज कर रहा हूँ. ओके, तो अभी जो पॉइंट है मेरा वो आपको ये एक्सप्लेन करने का है. तो नंबर वन दिस एंड सेकेंड दिस वन. सो हाउ टू कन्वर्ट बेसिकली दिस इंटीग्रल इक्वेशन इनटू द डिफरेंशियल फॉर्म. सो वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम जो सेलेक्ट करेंगे वो ये इक्वेशन होगी, और ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. तो इसके लिए अभी जो है तो यहाँ हम लिखेंगे ये गॉस लॉ जो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नोट. सो यहाँ अगर मैं इसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले तो क्यू को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट. सो इसका जो वे रहेगा लिखने का, क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये रो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इनटू डीवी. एंड हियर दिस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को वन कैन राइट बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ये ई डॉट डी एस इट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड उससे पहले आप ये विल राइट दिस डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड डी वी. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो है अब ये वैल्यू आई है, और क्यू की जो वैल्यू है वो ये रखा हुआ है, तो यू कैन इक्वेट इट डायरेक्टली. सो इट विल बी इक्वल टू रो डी वी. एंड नाउ यू कैन कंपेयर एक्चुअली बोथ दिस साइड, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, वो भी, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है. तो यू कैन राइट हियर दिस वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड नाउ यू कैन टेक दिस ब्रैकेट डेल डॉट ई माइनस एंड दिस वन अपॉन एप्साइलन नॉट हियर, राइट. इट विल कम टूगेदर, सो दिस विल बी रो अपॉन एप्साइलन नॉट इन साइड द ब्रैकेट, एंड दिस डी वी इज इक्वल टू जीरो. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट वेन यू विल कंक्लूड दिस इक्वेशन, सो इफ अगर इसको आप एनालाइज करते हैं तो यहाँ एक पार्ट तो ये रहेगा और दूसरा पार्ट ये. तो वॉल्यूम जो है, जो भी अगर आप गोस ये ला आपने स्टडी किया है, तो एक गोसियन सरफेस थी, एक स्फीयर सपोज किया आपके पास में है या कोई सॉलिड मटेरियल है, राइट. उसके सेंटर पे चार्ज रखा, तो उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, वॉल्यूम जो है यहाँ पे जीरो नहीं है. सो डी वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट. सो डी वी जो है वो जीरो नहीं है, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं है. इट मीन्स ये जो सेकंड पार्ट है ये पार्ट आपका जीरो हो सकता है. सो डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट. सो दिस इज दी डिफरेंशियल फॉर्म. ये जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें जब डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो उसको हम इस वे में लिख सकते हैं. तो ये वे रहेगा, राइट. सो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट, एंड देन आफ्टर सेकेंड इक्वेशन जो होगी
वो यही, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, जो सेकंड इक्वेशन है जिसमें कि हम बोल रहे थे ये कि गोसला जो है मैग्नेटिज्म, सो वो था ओपन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। एंड इफ यू विल अप्लाई दिस इक्वेशन, ये जो कंडीशन है यहाँ जो आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए यूज किया है, इफ यू हैव टू यूज दिस वन राइट, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ ई डॉट डी एस की जगह आप ये पार्ट लिखेंगे विद वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सो दिस कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ में एंड बाई टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दिस बी, सो डाइवर्जेंस ऑफ बी ए राइट डी वी इज इक्वल टू 0। एंड हियर अगेन देर आर टू प्रोडक्ट्स, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम कुड नॉट बी 0, सो दिस डाइवर्जेंस ऑफ बी मे बी 0, इक्वल टू 0 राइट। सो इन दिस सिचुएशन जब आप ये देख रहे हैं राइट, तो मुझको ये फोल्ड या रिमूव करना होगा राइट, सो लेट्स रिमूव इट। सो ये डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 राइट, तो ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन आई। एंड व्हेन यू आर टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड फंक्शन, यू नो दैट वो जो फील्ड होगा वो सोलेनोइडल होगा, दैट मीन्स वहाँ जो नेचर होगी फील्ड की वो कैसी होगी, उसमें वहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो यहाँ जो बी है उसकी जो नेचर है वो सोलेनोइडल है एक्चुअली, जहाँ पे आपने इसका डाइवर्जेंस लिया फील्ड का राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक तो पॉइंट ये आएगा कि जो फील्ड है, व्हेन एनी फील्ड बेसिकली फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो फील्ड इज नोन एज सोलेनोइडल। लेकिन जब इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन का कंक्लूजन ये आएगा कि अगर कोई मैग्नेट है जिसके पास में एक नॉर्थ पोल है और ऑब्वियसली एक सेकंड पोल होगा जिसको आप बोलते हैं साउथ पोल, तो कोई भी टाइनी बार मैग्नेट जो है उसका ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग है साउथ पोल अलग है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इक्वेशन कंक्लूड दैट नो मोनोपोल एग्जिस्ट, और नो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट राइट। सो ये पॉइंट रहा। अब थर्ड इक्वेशन का थोड़ा सा देख लें, तो थर्ड इक्वेशन एक्चुअली क्या है, ये आपका फेराडे लॉ है। तो ये बोलते हैं कि एप्साइलन दैट इज इक्वल टू क्लोज पाथ इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी, सो लेट्स सी फेराडे लॉ। एप्साइलन इज इक्वल टू माइनस दिस डी फाई अपॉन डी टी, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड हियर यू कैन सी दैट फाई बी इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। ओपन सरफेस इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कॉयल आपके पास में है इसके ये जो दो एंड हैं एक्चुअली, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा अगर वो स्टेशनरी है देन देयर इज नो ई एम एफ इन साइड दी वायर, बट इफ सम हाउ यू कैन चेंज दी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ में एसोसिएट है, दैट मीन्स डी बी अपॉन डी टी, तब यहाँ ई एम एफ प्रोड्यूस हो जाएगा इन साइड दी वायर। तो ये जो करंट यहाँ फ्लो करेगा राइट इस वायर के अंदर, बेसिकली वो मैटर करता है, और वो जो आएगा आपका वो किसकी वजह से होगा, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा राइट। तो ये तो हुआ फाई बी दैट इज डिफाइंड इन दिस वे, और ये हुआ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब आप इसको फाई बी की वैल्यू के साथ में रखेंगे, और एप्साइलन जो है आपका वो क्या है, एप्साइलन बेसिकली ई एम एफ है जिसको आप डिफाइन करते हैं ई डॉट डी एल के थ्रू राइट। अगर आप पूरा ये ड्राइव करना चाहें यहाँ पर फेराडे लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, तो मैं एप्साइलन की वैल्यू पुट करूँगा सबसे पहले, तो ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एंड दिस ओपन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस,
राइट। तो अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इफ यू रिमेम्बर स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम को हम लिखे ना, ये लिखा था कि ये क्लोज पाथ इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। तो हमको यही लिखना है यहाँ पर, जो ई डॉट डी एल है आई कैन राइट डायरेक्टली दैट वैल्यू और लाइक दिस वन फॉर योर कंफर्ट, इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीगल एंड यू आर टेकिंग द कर्ल ऑफ इट दिस वेक्टर डेल क्रॉस ई एंड डॉट डी एस। दिस इज द स्टोक्स थ्योरम, राइट। सो बाई यूजिंग इट द यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ई डॉट डी एल विच इज दिस वन एंड राइट हैंड साइड दिस। सो नाउ आई एम राइटिंग पुटिंग दिस वैल्यू ई डॉट डी एल विच इज दिस वन हियर। सो दिस डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एंड द वैल्यू ऑफ बी डी एस वी हैड ऑलरेडी पुट, सो इट विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एस। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं सो यू कैन सी दैट हियर सरफेस, दिस इज ओवरऑल सरफेस, इफ यू विल इंटीग्रेट डी एस सो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट एस, एंड एस मीन्स दैट यू हैव ए फिक्स्ड एरिया, राइट। सो यहाँ अब जैसे आपने ऑब्जर्व कर लिया कि एरिया फिक्स है, तो अदर क्वांटिटी जो आया वो मैग्नेटिक फील्ड आया, इट मीन्स बी विल वेरी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। सो यू कैन राइट और रीअरेंजिंग द टर्म बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, यू कैन राइट डी बी अपॉन डी टी डॉट डी एस। सो इफ यू कंपेयर दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन, सो हियर डेल क्रॉस ई डॉट डी एस अगेन हियर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एस एंड सिमिलरली इट इज ओपन एक्सेस एंड यू कैन नोट डाउन हियर दिस वन ओपन सरफेस इंटीग्रल विद डी एस। सो व्हेन यू कंपेयर बोथ साइड यू कैन सी हियर डेल क्रॉस ई एंड दिस इज माइनस डी बी अपॉन डी टी विच बिकम्स यू कैन राइट इन पॉजिटिव वे डी बी अपॉन डी टी, राइट एंड डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। सो फर्दर एज यू नो दैट एरिया कुड नॉट बी जीरो, सो द सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, दैट कैन बी रिटन एज डेल क्रॉस ई राइट प्लस एंड राइट डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस टुगेदर, सो नाउ यू कैन राइट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। सो दिस इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दी ई एम एफ, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज कॉल्ड फेराडेला। सो फेराडेला दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फेराडेला। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर द एम्पियर्स लॉ। सो इन एम्पियर्स लॉ वट इज इम्पोर्टेंट द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस आई एंड यू हैव टू राइट दिस आई इन टर्म्स ऑफ द जे विच इज द करंट डेंसिटी, सो इट कैन बी राइट रिटन एज ओपन सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। सो वेन यू आर राइटिंग द इंटीग्रेशन वेदर यू हैव टू यूज ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इट? अगर आपने सपोज किया कहीं ओपन सरफेस यूज किया है और कहीं क्लोज सरफेस यूज किया है, तो आप इसका मीनिंग बता सकते हैं कि कहाँ क्या यूज किया है और क्यों किया है? अगर ये देखते हैं कि ये सपोज किया आपके पास में एक रिंग है और ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने और ऐसे यहीं पे एंड किया, तो ये क्लोज पाथ हुआ है, राइट। और इस रिंग ने जो एरिया कवर किया वो ये एरिया कवर किया, राइट। तो ये एरिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन है या क्लोज है? ऑब्वियसली इट वाज ओपन,
So you can use basically the open surface integration, right? But if somehow it is not open, it is closed like a disk, right? इस तरीके से ये कंप्लीट है, सो देर इज नो स्पेस, देन वी यूज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल. सो दिस इज द पॉइंट, एंड दिस पॉइंट बेसिकली डिफाइन द सिचुएशन. लाइक हियर वी हैड डिफाइन आई इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी, बट वी आर यूजिंग द ओपन सरफेस इंटीग्रल, राइट? सो इट मीन्स वेयर वी आर डिफाइनिंग द करंट आई, राइट? So then that place basically this current density is covered by the open surface. In a more detail, you can see that you have a current carrying conductor in which I current is flowing, and when current flows basically it will produce the magnetic field. Suppose at this P point you have to find out the magnetic field, right? And the distance from this you can say r. So you can use basically the magnetic field to find out the magnetic field, Ampere's law, right? To find the magnetic field at the same distance here, at this side, in this side, at this side, the magnetic field value will remain same, right? So here now you can see the locus basically at every point where basically you want to find out the magnetic field at a fixed distance. वहाँ B की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, सो इट बेसिकली शोज ए पाथ, क्लोज पाथ, एक लूप आपको दिखाई पड़ेगा. तो विद इन दिस लूप यू बेसिकली आर ऑब्जर्विंग दिस करंट. सो इफ दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्वियसली द करंट डेंसिटी यू कैन फाइंड आउट हियर एट दिस पॉइंट, एट दिस सरफेस दैट विच इज क्लोज. बट वी आर कंसिडरिंग द एम्पियर्स लॉ, एंड ये जो आप लूप देख रहे हैं, क्लोज लूप, इसी के अंदर इसको वायर को रखा गया है. तो जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो ये लूप एरिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर यूजिंग दिस ओपन सरफेस. सो अब ये बी क्लोज पाथ बी डॉट डी एल है, यहाँ हम स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे, और इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखता हूँ तो वो जो फॉर्म आएगी, ओपन सरफेस इंटीग्रल एंड कर्ल ऑफ दिस वेक्टर डेल क्रॉस बी डॉट डी एस दिस वे, एंड इन बोथ दिस साइड यू कैन से दिस सरफेस इंटीग्रल, सो यू कैन कंपेयर. सो हियर दिस इज डेल क्रॉस बी एंड दिस विल बी माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे, जब इस साइड लेकर के आएंगे, एंड डॉट डी एस ये इज इक्वल टू जीरो. सो एरिया जीरो नहीं हो सकता, सो दिस पार्ट में भी जीरो. सो डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे इज इक्वल टू जीरो, एंड फर्दर यू कैन राइट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी फॉर दी एम्पियर्स लॉ. बट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस फॉर्मूला एक्चुअली इज वैलिड फॉर दी डायरेक्ट करंट. सो हियर दिस डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर डीसी करंट. So in the next video, I will discuss some other point also related to it, like by using some application problem, and then we will define about the Maxwell equations और उनके उनके जो significance है या उनसे उनसे related और detail. So thank you for watching this video. If you have any question, you can ask. अगर आप यहाँ तक आए हैं और अभी तक इसको देखा है, तो जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन है आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट आपको कैच हुआ, ये पॉइंट आपको कैच नहीं हुआ, या इसमें ही फर्दर कोई अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो वो वेरिएशन या वो जो डिटेल है आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इन टू दी नेक्स्ट वीडियो. सो माई बेस्ट विशेज ऑलवेज, एंड थैंक यू.